आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी में इन दिनों सियासी पारा हाई है, जहां राम गोपाल यादव की मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद राजनीतिक हलचल इतनी तेज हो गई है कि यादव परिवार में एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ, यानी अखिलेश के एक चाचा दूसरे चाचा के ही खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी में सियासी जंग सत्ता दल के खिलाफ मोर्चा खोलने की जगह अब परिवार के खिलाफ ही देखने को मिल रही है। जहां राम गोपाल से मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद शिवपाल सिंह यादव का ट्वीट सामने आया है। शिवपाल यादव के ट्वीट के बाद जो यादव परिवार की घर की लड़ाई थी, वो अब सड़क पर आ चुकी है, या यूं कहें कि अब ये लड़ाई खुले मंच पर चली आई है। शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव में पहले भी नाराजगी थी, मगर अब ये लड़ाई जग जाहिर हो चुकी है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर अब आगे क्या होता है। इन्हीं सबके बीच राम गोपाल यादव ने बयान जारी किया है। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने गया था। लोगों की मुलाकात भी बंद हो जाएगी, उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर कोई समस्या लेके मुख्यमंत्री से मिलता है, मीडिया उसको दूसरा कलर देने लगता है। लेकिन जो मुझे जानते हैं, चाहे दिन रात मीडिया कहे, हमारे लोगों पे तो कोई असर पड़ने वाला है। दे नो कि दुनिया का कोई लालच, कोई धमकी, कोई चीज हमें न झुका सकती है, न समाजवादी पार्टी की नीतियों से विरत कर सकती है। वहीं इस पूरे मामले पर सुभाषपा भी चुटकी लेने से बाज नहीं आई। दरअसल सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर लगातार इस पूरे मामले को तूल देने में लगे हुए हैं। अरुण राजभर का कहना है कि जब हम मुलाकात करने जाते हैं तो ये लोग मुलाकात को डीलिंग करार देते हैं। अब ये क्यों नहीं बताते कि ये लोग कौन सी डीलिंग करने गए थे। इसके अलावा अरुण राजभर ने प्राइम टीवी से खास बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव ने एक आदिवासी महिला, साथ ही सभी महिलाओं का अपमान किया है। सपा ने कीर्ति कौल को प्रत्याशी बनाया। अखिलेश यादव को इतना नहीं पता था कि जिस पर भी वो साइन कर रहे हैं, उस पर्चे में प्रत्याशी की उम्र महज 28 साल दिखाई गई है, जबकि विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी। सर, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के सीटों पर उपचुनाव हो रहा था, जिसमें समाजवादी पार्टी की जो कीर्ति कौल है, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। विधान परिषद में 30 साल होता है, जो कि उनका 28 साल था। इसमें तमाम समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार, अखिलेश यादव समेत तमाम लोगों ने प्रस्तावक के तौर पे सिग्नेचर किया था। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी कोई भी चुनाव गंभीरता से नहीं लड़ती है, और उनकी जो गंभीरतापन है माननीय अखिलेश यादव जी का, यह उजागर हो गया है। ये गए थे आदिवासियों का हितैषी बनने के लिए, ये आदिवासियों का वोट लेने के फिराक में एक नई ड्रामा करने जा रहे थे, और ड्रामा करने से पहले ही पोल खुल गई। अब तो माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब तो सवाल उठ रहा है कि जो 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो, उसको न पता हो कि MLC के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो पूरे प्रदेश के लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि हम लोग बहुत गंभीर नहीं है किसी चीज़ के लिए, और जो इनका मनसा था वो मनसा इनके विपरीत चला गया। ठीक बात है, उन्होंने प्रत्याशी उतारा, वो जानते थे कि मेरे पास वोट नहीं है, वो जानते थे ये बात कि मेरे पास वोट नहीं है, उसके बाद भी इन्होंने प्रत्याशी उतार कर अपमानित किया। किसको किया? एक तो उस परिवार को अपमानित किया, और उसके साथ साथ पूरे समाज को अपमानित किया कि नहीं देखो, हम जो कर रहे हैं इससे हमारा सम्मान बढ़ेगा। अब आप देख लीजिए सम्मान क्या बढ़ा, कि खुद सिग्नेचर माननीय अखिलेश यादव पहले नंबर पर। अब तो सवाल तो उठेगा, सारे लोग उस सवाल उठाएंगे कि इसका मतलब कि आप पढ़े लिखे अशिक्षित दिख रहे हैं। अगर इतने ही आपके पास ताकत थी, इतने ही आपके पास नंबर थे, तो चार लोगों को भेजा था पिछले, आप किसी कोल को भेज देते आदिवासी को, और आपके पास नंबर भी था उस समय कि आप वोट देते जीत जाते, जीता के भी भेजा।
उस समय आपने नहीं खेल किया, लेकिन जब देख लिया कि अब राष्ट्रपति दलित आदिवासी बन गई हैं तो हम भी प्रदेश के आदिवासियों को वोट ले लें, तो ड्रामा करने से पहले ही इनका बाजा बच जा रहा। क्या आपको लगता है ये जातिगत समीकरण के तहत प्रत्याशियों को तय किया गया, और अगर देखा जाए तो 200 से विधायकों का समर्थन चाहिए एमएलसी चुनाव जीतने के लिए, तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ये समाज के साथ मजाक किया गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितना कॉन्फिडेंस में नामांकन कराने गई, माननीय मुख्यमंत्री जी गए, उनके दोनों डिप्टी सीएम गए, आप अगर गंभीर होते प्रत्याशी को अपने जिताने के लिए तो आप अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को नहीं भेजते, आप स्वतः जाते। लेकिन अब तो बड़ी मजे की बात है कि आप स्वतः न उसके नामिनेशन में आप प्रस्तावक बने हैं पहले नंबर पर, आपको खुद नहीं पता है कि मैं जिसका प्रस्तावक बन रहा हूँ उसका उम्र ही नामांकन करने के लिए योग्य नहीं है। तो ये तो सवाल उठ रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी के गंभीरतापन और उनके जो एक राजनैतिक परिपक्वता पर सवाल खड़ा हो रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल, हमें ये बताएं अरुण जी कि साल के अंत में निकाय चुनाव है, अब निकाय चुनाव को देखते हुए सुभाषपा कितनी तैयार है और संगठन का विस्तार कैसा चल रहा है? देखिए, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी नगर पंचायतों में अपना संगठन का अभियान वार्ड वाइज हम लोगों ने तैयार किया है कि जो भी हमारे जिम्मेदार नेता हैं, चाहे जिले के नेता हों, प्रदेश के नेता हों, मंडल के नेता हों, और उस विधानसभा में आने वाले नगर पंचायतों के जो अध्यक्ष हमारे हैं, उन सभी लोगों को हमने निर्देशित किया कि आप वार्ड वाइज बूथ का गठन करिए, और उसके बाद हमको जिन सीटों पर मजबूती से जीतना है उन सीटों पर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा, और आगामी जो बरसात का जो सीज़न चल रहा है उसमें जहां हम लोगों को लगेगा कि यहां समय समय पर हमको कार्यक्रम चलाने चाहिए तो हमारे लोकल बॉडी से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के सारे नेता उन्हीं सीटों पर फोकस करके मजबूती से नगर पालिका में वार्ड परिषद को और नगर पंचायत को हम लोग जीतने की पूरी रणनीति बना रहे हैं, और हमारा संगठन और सदस्यता अभियान दोनों एक साथ हम लोग मजबूती से कार्य करने में लगे हुए हैं। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के। तो हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अखिलेश यादव की तरफ से ये बहुत बड़ी गलती है कि अगर देखें तो विधान परिषद चुनाव में जो उम्र होता है वो 30 साल का होता है, 28 साल की प्रत्याशी के ऊपर प्रस्तावक और सिग्नेचर करके उन्होंने जो किया है वो एक बहुत ही गलत है, और साथ ही साथ उनके साफ तौर पे कहना है कि ये आदिवासी समाज के साथ मजाक है। अगर कीर्ति कौल के नॉमिनेशन की बात की जाए तो कीर्ति कौल के नॉमिनेशन पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का अलग ही मत है। लखनऊ मध्य से समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि इसमें पूरी पूरी गलती रिटर्निंग ऑफिसरों की है, क्योंकि उन्होंने उस पर्चे को एक्सेप्ट किया, साइन कराया, ये अपनी गलती क्यों नहीं मानते। वहीं रविदास मेहरोत्रा की अगर बात की जाए तो इनका कहना साफ है कि इसमें उनके नेताओं की कोई गलती नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ यही खड़ा होता है कि जिस पर्चे पर अखिलेश यादव ने स्वयं सिग्नेचर किया वो खुद प्रस्तावक बने, क्या उस दौरान इन लोगों को नहीं पता था कि एमएलसी के चुनाव के लिए जिस आदिवासी चेहरे को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं उस आदिवासी प्रत्याशी की उम्र 30 साल होनी चाहिए। हालांकि रविदास मेहरोत्रा ने ये भी कहा है कि इस पूरी घटना पर हम समीक्षा बैठक करेंगे। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा जी। सर, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जो विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं उसके उपचुनाव में जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी कीर्ति कौल, उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है उम्र के चलते, कम उम्र के चलते। साथ ही साथ उसमें पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर किए गए थे, आपके भी किए गए थे, इस पर आप क्या कहेंगे? कि बहुत हमको इस बात का दुख है कि पार्टी की हमारी प्रत्याशी कीर्ति कौल का नामांकन जो है वो रद्द हो गया। एक आदिवासी पिछड़ी तरफ इलाके की महिला थी, उनको जानकारी नहीं थी कि 30 वर्ष की उम्र आवश्यक होती है, लेकिन जिन लोगों ने फार्म भरा कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसके प्रस्तावक थे, हम नामांकन कराने गए, नामांकन करने के बाद मैंने पूछा वहाँ बैठे हुए अधिकारी से जो नामांकन करवा रहे थे कि फार्म पूरा सही भरा हुआ है, उन्होंने कहा कि हाँ पूरा फार्म सही भरा हुआ है। फिर दो सेट में फार्म दाखिल किया गया,
और उनकी ओस हुई वहाँ पर, कीर्ति कौर जी की ओस हुई, और उस अधिकारी से फिर पूछा गया कि पूरा फार्म सही कंप्लीट है। अधिकारी ने कहा कि हाँ सब कुछ सही है। अगर वहाँ पर बैठे हुए अधिकारी कहते कि इसमें उम्र गलत लिखी हुई है तो हम लोगों पर टाइम था, हम तत्काल दूसरे किसी व्यक्ति का नामांकन वहाँ पर करे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये एहसास था कि सीट हम लोग हार जाएंगे, क्योंकि उनके दो प्रत्याशी थे, उनके वोट आधे आधे होते और हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस के सब वोट देते, तो कीर्ति कौल जो है वो चुनाव जीती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव में हार के डर से जो अधिकारी को मैनेज करके इनका पर्चा जो है वो निरस्त करने का काम हुआ है। सर, बीते दिन आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव राम गोपाल यादव जी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद से सुबसपा और बसपा की तरफ से कहा जा रहा है कि ये डीलिंग चल रही है, बल्कि जो राम गोपाल यादव जी हैं उनकी तरफ से स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि ये कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई जो हो रही है उसको लेकर मुलाकात है, इस पर आप क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, जुल्म हो रहा है। भाजपा की सरकार लगातार जुल्म और अन्याय कर रही है। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय राम गोपाल यादव जी मिलने के लिए गए, तो ये कोई जो है वो मुख्यमंत्री से मिलने आना गलत नहीं है, सही था उनका मिलने आना। जैसे हम लोगों के क्षेत्र के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, नाले भरे हुए हैं, इंटरलॉक के काम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री के पास हम पत्र भेज रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उनसे हम मिलने जाएं तो उसमें गलत क्या है? हम अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए या कार्यकर्ताओं पर जुल्म हो रहे हैं इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र देते हैं तो ये ठीक बात है। दूसरी बात यह कि अगर मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग विधानसभा के अंदर इसको उठाएंगे, और फिर भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो सड़कों पर संघर्ष करने का काम करेंगे। माननीय राम गोपाल जी लगातार कार्यकर्ताओं की बात मुख्यमंत्री से या कहीं और जहां भी कह सकते हैं वहां पर कहने का काम करते हैं, राज्यसभा के अंदर भी उठाते हैं, और जो भी अगर किसी भी कार्यकर्ता का कहीं पर भी उत्पीड़न होगा तो उसके खिलाफ हम लोग सड़कों से लेकर के और विधानसभा तक संघर्ष करने का काम करेंगे। सर, समाजवादी पार्टी का जो संगठन का विस्तार है वो बड़े तेजी से किया जा रहा है, साथ ही साथ जो सदस्यता अभियान है उसमें भी तेजी लाई गई है, और आज समाजवादी पार्टी में बैठक की गई है, आप स्वयं मौजूद थे, साथ ही साथ आपकी पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे, पल्लवी पटेल भी आई हुई थी, किन विषयों पर चर्चा की गई और किस उद्देश्य से आज की बैठक रखी गई थी? समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनसे ये कहा गया कि सदस्यता अभियान में तेजी लाई जाए और पूरे क्षेत्र में कैंप लगा करके सदस्य बनाए जाएं। मैंने भी कार्यक्रम तय कर दिया है और कल से लगातार 20 दिनों तक किसी न किसी वार्ड में कैंप लगने का काम होगा। दूसरी बात मीटिंग में ये हुई कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनानी है, सारे प्रांतों में जो गैर भाजपाई पार्टियां हैं उन पार्टियों को साथ जोड़ करके हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमारा ये प्रयास है कि दिल्ली में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बने और समाजवादी पार्टी उस बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कीर्ति कौल के नॉमिनेशन रद्द होने में कहीं ना कहीं अधिकारियों की गलती है, साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया कि हमने कई बार इसको क्रॉस वेरीफाई करने को लेकर सवाल भी किए तो उसमें अधिकारियों की तरफ से साफ तौर से जवाब आया कि सब ठीक है, और साथ ही समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल वर्मा की मुख्यमंत्री की मुलाकात पे उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को लेकर वो मुख्यमंत्री से मिले हैं। वहीं इस मामले पर बीजेपी बैकफुट पर जाकर फ्रंटफुट का खेल खेल रही है और लगातार ये कह रही है कि अपराधी और माफियाओं के खिलाफ हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री है
और उनसे हर कोई जाकर मुलाकात कर सकता है, अपनी बात सामने रख सकता है, समस्या का समाधान ले सकता है। एक पूर्व मुख्यमंत्री का एक ऐसे पत्र पर हस्ताक्षर कर देना जो गलत है, ये बताता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कितने अपरिपक्व हैं और उन्होंने जो पुराने निर्णयों पर फाइलों पर सिग्नेचर किए होंगे निश्चित रूप से उसमें भी इस प्रकार की गलतियां होंगी। मुझे लगता है कि ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बढ़ती हुई विश्वसनीयता का परिचायक है कि विरोधी दल के बड़े बड़े आलम्बरदार भी उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान के लिए आ रहे हैं। यह योगी जी की विश्वसनीयता का सकारात्मक परिणाम है। नेता प्रतिपक्ष को यह जानकारी होनी चाहिए कि कीर्ति कोल जी की उम्र क्या है, कितनी उम्र है, विधान परिषद में जाने के लिए कितना उम्र होना चाहिए। और वही नहीं, उन सारे लोगों ने, 10 लोगों ने जो प्रस्तावक बने, सारे सदन के नेता रहे हुए हैं, अनेता हैं भी, उनको समझ आनी चाहिए कि नेता विधान परिषद में जाने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए, जिसके कारण उनका खारिज हो गया। उनको पूरे जनजाति वर्ग को नीचे दिखाने का काम उन लोगों ने किया है। बता दें कि भले समाजवादी पार्टी ने राम गोपाल यादव की सीएम से मुलाकात की वजह साफ कर दी हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विपक्षी दल कब एकजुट होकर जनता के महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। सियासी पारा हाई है, लेकिन इतना तो साफ है कि ये सियासत पक्ष विपक्ष के बीच नहीं, कहीं ना कहीं सपा के बीच में ही नजर आ रही है। सपा में अंदरूनी कले कलेश कब खत्म होगा, कब वो जनता के मुद्दे उठाएगी, ये देखना अहम होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।